नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो जय श्री राम। क्यों, वो तो कल बीत गया, लेकिन फिर भी आप सभी को जय श्री राम, राम राम। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि रामनवमी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बीता होगा। और दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, मैंने जिक्र नहीं किया है पहले वीडियो में कि अभी मैंने दो दिन पहले, इस वीडियो के पहले हमने एक श्री राम जी का भजन यूट्यूब पर डाला है, तो आप वो जरूर देखें। बहुत ही मधुर भजन है, बहुत ही अच्छा भजन है। आप टाइप करेंगे ये राम आ ही गए राजेश कुमार, वो आ जाएगा। और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी पहुंची हुई होगी। आप देखिए, बहुत ही मधुर भजन है। तो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। बहुत सारी हमारे पास कमेंट्स आए हैं और फोन भी आते हैं, कॉल तो बहुत सारे आते हैं गाना निकालने की प्रक्रिया में। तो दोस्तों, मैं लगातार वीडियो दे रहा हूं और आज फिर मैं गाना निकालने पर ही मैं आपको आज एक वीडियो एक गाने पे दिखाता हूं। और दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए और फिर उसके बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आइए, एक गाना है मैं बताता हूं। और देखिए दोस्तों, क्या करना है कि गानों को जो है, देखिए मेरी बात को जरूर सुनिएगा, बातों को स्किप किए अगर आपने कर दिया तो फिर देखने का कोई मतलब नहीं है, ये सबसे जरूरी चीज है। तो गाना निकालना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में निकालिए। टुकड़े का मतलब क्या होता है, शब्द, छोटे छोटे शब्द को, एक दो शब्द को निकालिए और उसको बार बार बजाइए। जब वो फेयर हो जाए, यानी कि अच्छा हो जाए, याद हो जाए, तब दूसरी शब्द की तरफ बढ़े। दूसरी शब्द जब आ जाए तो उन दोनों को मिला दीजिए और उसको 4, 5, 8, 10 बार बजाइए। फिर उसके बाद तीसरे को, यानी आपको एक लाइन किसी तरह निकालना है, लेकिन वो छोटा छोटा पार्ट में, अगर छोटा छोटा पार्ट में निकालेंगे तो तभी निकल पाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि एक बार हम गाना पकड़े और वो 2-4 बार कोशिश के बाद निकल जाए, तो ऐसा कभी किसी से नहीं हुआ है। सबको मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूं। बहलाने वाली काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा कर कर निकालिए, ठीक है, और एक एक शब्द को जोड़िए। जोड़ने के बाद उसके बाद एक लाइन मिला लीजिए, वो आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं एक गाना बता रहा हूं कि कैसे आप निकालेंगे, और जब वो आप समझ जाए तो क्या करें कि उसी गाने को दूसरे स्वर से निकालें। अभी देखिए, मैं प से निकाल कर बताऊंगा, प से स्टार्ट करूंगा, तो उसको आप देख देख कर खूब बजा लीजिए और उसके बाद उसी गाने को दूसरे काले स्वर से, यानी कोई भी काला स्वर आपको जो लगता हो, मैं प से दे रहा हूं तो आप म से निकाल लीजिए या ध से निकाल लीजिए, लेकिन ये होमवर्क जरूर कीजिए आप, ठीक है, ये होमवर्क आप जरूर कीजिए कि मैं जहां से निकाल रहा हूं उसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद दूसरे स्वर से फिर आप उसी को कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं, चलते हैं, क्या करते हैं हम लोग इस गाने को। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं गाना निकालना है, कैसे निकालना है इसको समझिए आप। देखिए मैं यहां से बता रहा हूं, एक गाना है, आप उसको समझिए क्या है। पहले एक किशोर कुमार जी का बहुत बढ़िया गाना है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ये गाना है। अब देखिए, इतना ही निकालना है। अब इसको निकालना है तो इसको कैसे निकालना है, एक बार में पूरा लाइन नहीं निकालना है आपको, कैसे निकालना है, एक एक शब्द को, एक से दो शब्द को अलग अलग निकालना है और उन सबको फिर जोड़ना है। तो ये कैसे होगा, तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट ओ मेरे, पहले ओ मेरे को पकड़ना है, ओ मेरे,
तो अब इसको ढूंढना है ओ मेरे कहां से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं एक पॉइंट बता रहा हूं कि हम लोग यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, और मैं आपको होमवर्क दूंगा कि यहां से तो मैं बता रहा हूं कैसे निकालना है, उसको बजाना है आपको, प्रैक्टिस कर लेना है, और प्रैक्टिस करने के बाद इसी गाने को आपको चाहे यहां से क्लियर कर निकालना है, चाहे यहां से निकालना है, चाहे यहां से आप शुरू कीजिए, चाहे यहां से शुरू कीजिए, मैं यहां से शुरू कर आपको बता रहा हूं, और उसी आधार इसी के आधार पर आप दो दो शब्द एक एक शब्द को निकाल कर यहां से या यहां से उसको जोड़िएगा। ठीक है, कैसे देखिए, मैं यहां से ओ मेरे, तो देखिए अब यहां देखिए कैसे खोजा जाता है, ओ ओ मेरे, तो आपको देखना है कि मैं ओ के बाद मेरे किधर जा रहा है। देखिए पिच को समझना है कि ओ के बाद मैं ऊपर गया या नीचे आया, और मैं के बाद रे नीचे आया कि ऊपर गया। ठीक है, देखिए मैं कुछ उल्टा बोलूंगा हो सकता है, ठीक है ना, सिर्फ ताकि आप उसको पकड़िए, अगर मैं पूरा बता ही दूंगा तो फिर फायदा क्या होगा, आप क्या निकालेंगे फिर, आप हम मुझे आप लोगों से गाना निकलवाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो देखिए अब इसको पकड़े हैं कैसे, मैंने तो शब्दों के द्वारा बोल दिया, अब क्या करना है, ओ ओ मेरे ओ मे ओ मे, तो नीचे आ गया ये, तो हम लोग यहां के बाद नीचे इधर यानी आपकी लेफ्ट साइड की तरफ, आपकी बाईं तरफ, आप ध्यान रखिएगा नीचे आपकी बाईं तरफ होती है यानी लेफ्ट साइड होती है, और ऊपर आपकी दाहिने साइड यानी कि राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड नीचे लोअर पिच, और जहां से आप बजा रहे हैं तो राइट साइड वो हायर की तरफ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि ओ मेरे, तो ओ मे ओ मे, तो यहां देखिए उतर गया ये ओ मे नीचे आया, तो यहां से हम लोग नीचे आएंगे, तो इसके बाद इसको देखेंगे, फिर इसके बाद इसको देखेंगे, कोई चेक करेंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा ही, और उसके बाद ओ मे और फिर रे, मेरे को पूरा करना है ओ मेरे, यानी कि फिर वहीं ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया ओ मेरे। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं नीचे आया फिर वापस ऊपर चला गया, लेकिन ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं है, तो ये तो सही है, अब इसके बाद इसको छोड़ देंगे, इसको चेक करेंगे, देखिए ये सही हो गया ओ मेरे। अब अगर ये निकल जाए तो इसको चार पांच बार बजाइएगा ओ मेरे ओ मेरे, ये निकल गया, मान लीजिए अब ये निकल गया, अब क्या करना है, दिल के चैन, तो पहले दिल को पकड़ेंगे और तब चैन पकड़ेंगे, और जब दिल निकल जाए तो ओ मेरे दिल के ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद चैन को ऐड करेंगे, कैसे देखिए ओ मेरे, वापस यहीं आकर खड़ा हो गया, दिल के यानी फिर उसके बाद वहीं से शुरू होकर फिर नीचे ही आया है, तो ओ मेरे दिल के ठीक है, दिल के, तो दिल के यही हो गया, तो दोनों मिला देंगे ओ मेरे दिल के अब क्या करना है, चैन, दिल के चैन नीचे ही आ रहा नहीं, देखिए ये आ गया, तो अब मिलाकर देखिए ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे
दिल के चैन। तो हो गया, मिला देंगे तीनों को। ओ मेरे दिल के चैन, एन। तो ऊपर जाकर फिर नीचे आया, एन एन। अब उसके बाद चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो जहां रुके अब यहीं से भर गया, चैन आए मेरे। तो ऊपर की तरफ भरे, जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं उसी तरह। तो अब देखिए कि यही स्वर लग रहा था, तो इसी को लगाकर पहले देखेंगे। चैन आए मेरे, सबको ऐड कर देंगे अब। चैन आए मेरे, चैन आए मेरे दिल को। तो चैन आए मेरे, ये फिर वापस वहीं आ गए मेरे दिल को। दिला देखिए आ गया, ये नहीं आया। दिल को फिर दुआ कीजिए। अब ये गाना हो गया, क्या हो गया देखिए। ओ मेरे दिल के चैन, है ना। फिर चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ठीक है। ये किशोरदा की गाना है। तो इस तरह से आप निकालिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और दोस्तों आप इसी तरह से कोशिश कीजिए गाने निकालने का, और जब जहां से मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस कर फिर उसके बाद म से या ध से, मैंने प बताया है, आप म से या ध से पहले जाए वहां हमने बताया, खूब उसकी प्रैक्टिस कर ले निकालकर। और फिर उसके बाद आप म से या ध से खुद से निकालने की कोशिश करें। ये हमारा होमवर्क है, गाना निकालना है खुद से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जैसा मैं होमवर्क कहता हूं करने के लिए वो होमवर्क कीजिए। 110% गाना निकालना आपको आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर ज्ञान के लिए। सीढ़ियों की तरह जब आप समझेंगे तभी स्वर ज्ञान होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं उसके लिए। नमस्कार।